नंबर देख रहे हैं 16, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर अपने पास 16 है। तो 16 देखो हो जाएगा, ये अपने पास क्या है इंटीग्रेशन में 10^4x dx है। तो देखो सौरभ यहाँ पर देखना, इसको अपन ब्रेक कर देते हैं ना, देखो 4 है तो इसको आप लिख दो 10^2x और 10^2x dx, ठीक है सौरभ। इसके बाद देख लो 10^2x है ना, तो इसको एक को लिख दो आप sec^2x-1, लिख दे 10^2x को, और एक आपका ऐसे के ऐसे ही, ठीक है ना। ओके तो अब देखो, अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, अब सोचो यहां आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कैसे करें इसको, कैसे करें, कोई तरीका है क्या? या तो इसको और ब्रेक, देखो इसको और ओपन कर दो आप, sec^2x tan^2x dx और एक अपना आ जाएगा tan^2x dx। इसमें क्या करो, इसमें आप 10x को t मान लो, तो ये सॉल्व हो जाएगा। 10x का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec^2x dx = dt। इसको कैसे करोगे, इसको आप लिख दोगे देखो इस तरीके से, देखो ये तो आपका आ जाएगा, तो यहां से अपने ये तो आ गया t²dt। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं होता, तो इसको आप चेंज कर लो किसमें, sec^2x-1 में। तो अब तो हो जाएगा बेटा t² तो हो जाएगा t³/3, है ना। sec²x का क्या होता है, 10x होता है, माइनस माइनस प्लस 1 का हो जाएगा x और प्लस c। अब तो यहाँ t³ आप पुट कर दो, तो ये अपना आ जाएगा tan³x/3 माइनस का 10x प्लस x प्लस c, ये सॉल्व होके आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कैसे हमने किया, समझ में आया क्या सौरभ, कैसे हमने सॉल्व किया ये, ठीक है ना। बट आप दोनों का आंसर यही आ रहा है क्या, इसका चेक कर लो एक बार, यही आ रहा है क्या आंसर? यस, ठीक है 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, 19 देखते हैं, देखो 19 देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 अपने पास है, इसमें अपने से बोल रखा है 1/sin x और साथ में है cos³x dx। कैसे करें आप बताओ, कोई वर्षा और ये ऑटम में कैसे किया, बेटा बताओ वर्षा कैसे किया आपने। सो पहले 1 को तो sin² और cos² sin²x + cos²x बना दिया, फिर उसको ओपन कर दिया अलग-अलग, बस सेपरेट कर देंगे, बस यही करना है बेटा। 1 है ना, तो 1 को आप क्या लिख दो, sin²x + cos²x, ठीक है, और अपॉन में आपका ये आ ही रहा है sin x cos³x dx, ठीक है। अब इनको आप सेपरेट कर दो ना, ठीक है, ये तो हो गया, इसको अपन सेपरेट कर दें, तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, देखो ये तो हो जाएगा sin²x/, ये आपके पास sin x और cos³x dx, प्लस यहां से अपने पास ये cos²x/sin x cos³x dx, ठीक है। अब देखो यहां से तो ये कैंसिल हुआ, यहां से cos स्क्वायर से cos कैंसिल होगा, ठीक है। अब ये देखो अपने पास एक बच रहा है ऊपर, साइन बच रहा है और ये बच रहा है, तो साइन अपॉन कॉस एक तो हो गया आपका 10x और नीचे बचता कॉस स्क्वायर, तो वो आपका हो गया sec²x dx, ठीक है। यहां अपना बच रहा है नीचे 1/sin x cos x, साइन एक्स कॉस एक्स, तो अगेन इसमें क्या कर सकते हो आप, अगेन ऊपर को आप 1 जो है इसको लिख दोगे आप वही sin²cos²। देखो ये तो हो जाएगा 10x को आप t मान लोगे, तो ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या करोगे आप, इसमें अगेन 1 को आप लिखोगे sin²x + cos²x, अगेन इसको यदि आप सेपरेट करोगे, देखो मैं साथ में इसको सेपरेट भी कर रहा हूं, यहां लिख दोगे आप sin x cos x और यहां लगा दोगे आप sin x cos x, अपन अगेन सेपरेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये कैंसिल हुआ, ये आपका 10x हो गया, है ना, ये कैंसिल हुआ, ये आपका cot x हो गया, सबके आपको फॉर्मूले पता है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। बोलो अब हो जाएगा सर, अब ये सॉल्व कोई दिक्कत इसमें, ठीक है ना, इस तरह सॉल्व हो जाएगा। चलो ये तो बट अपना एनसीईआरटी पार्ट हो गया, अब अपन आते हैं शीट पर, तो शीट के क्वेश्चन पूछते जाओ, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया तीनों का सॉल्व, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताओ पहले, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया शीट का, हाँ सर, yes. ठीक है सौरभ आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर टू, यस सर, यस सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, यस सर, यस सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, हाँ सर, हो गया, हो गया सौरभ, क्वेश्चन नंबर फोर, सौरभ क्वेश्चन नंबर फोर हुआ क्या, हाँ सर, हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव, हाँ सर,
और सौरभ आपसे, ठीक है क्वेश्चन फाइव ही हो गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स। हाँ सर हो गया। सौरभ सिक्स हुआ, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ठीक है चलो तो ये अपन देखते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो, देखो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो ये अपने पास है इंटीग्रेशन में वन अपॉन स्क्वायर रूट में आपके पास है साइन क्यूब एक्स, ठीक है साइन क्यूब एक्स है और साथ में हमारे पास है साइन एक्स प्लस अल्फा और साथ में हमारे पास है डी एक्स। तन्मय आपने कैसे किया है आप बताओ जरा, कैसे स्टार्ट किया बस बता दो, स्टार्टिंग कैसे की है? सर ये साइन एक्स प्लस अल्फा को ओपन कर लिया सर फॉर्मूले से। हाँ ठीक है सही है, ऐसे इसको स्टार्ट करेंगे। देखना बेटा कैसे करेंगे, सौरभ यहाँ पर देखो कैसे इसको अपन स्टार्ट करेंगे। ये आपके पास अभी हमने क्या किया, इसको आपने अभी ऐसे कैसे लिखा है ना, ये अपने पास साइन क्यूब एक्स है, इसको ओपन करेंगे साइन ए प्लस बी से। तो साइन ए प्लस बी से हमारे पास क्या होगा, साइन ए मतलब साइन एक्स, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिख दिया हमने, हमने ओपन कर दिया बेटा इसको, ठीक है। और ये आपका डी एक्स, इसके बाद क्या किया तन्मय? सर ये अंदर से साइन एक्स कॉमन निकाल लिया था तो बाहर साइन की पावर फोर एक्स हो गया था। एकदम सही है, ऐसे करेंगे बेटा। देखो अंदर से आप साइन एक्स कॉमन निकालो तो ये साइन क्यूब बन जाएगा आपका साइन फोर एक्स, है ना। अब देखो यहां से आपने साइन एक्स बाहर निकाल दो ये तो आपका कॉस अल्फा बचेगा, यहां से जब आप साइन एक्स कॉमन निकालोगे तो बेटा वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा ना, तो कॉस अपॉन साइन कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका कॉट एक्स और साथ में आ जाएगा साइन अल्फा। सौरभ इतना समझ में आया क्या? सौरभ ये समझ में आया क्या इतना, यहां तक कोई डाउट बेटा? ठीक है इतना हो गया चलो। अब ये साइन फोर जो है इसको आप बाहर ले आओ तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर, तो वन अपॉन साइन स्क्वायर ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा वो कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि जब उसको बाहर लाओगे आप फोर का आएगा स्क्वायर, ऊपर ले गए तो हो गया कॉसेक स्क्वायर। और नीचे अपने पास ये वाला पार्ट बच गया, क्या बचा अपना पूरा पार्ट, ये आपका बच रहा है कॉस अल्फा प्लस यहां से अपने पास कॉट एक्स और साथ में साइन अल्फा डी एक्स, ये अपने पास बच रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना, नीचे वाले पार्ट को टी मान लो, जो नीचे आपका रूट के अंदर उसको आप टी मान लो। हमने क्या माना, पुट, हम ये पुट कर रहे हैं कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा, इसको अपन टी पुट कर देते हैं। तो ये अल्फा कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन जीरो, है ना। यहां पर साइन अल्फा कांस्टेंट और कॉट एक्स है तो इसका हो जाएगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, आपको चाहिए कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो माइनस अल्फा को शिफ्ट कर दो आर एच एस साइड में। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी टी अपॉन साइन अल्फा, ठीक है बेटा इतना आ गया। अब इसको अपन पुट करते हैं, देखो इसमें तो ये जो है इसको आप बाहर ले आओ माइनस का वन अपॉन साइन अल्फा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट पार्ट है तो इसको तो आपने इंटीग्रेशन के बाहर लिख लिया। अंदर कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स आपका ऊपर डी टी आ गया, नीचे अपना पूरा रूट टी आ जाएगा। अब तो सॉल्व हो जाएगा माइनस का वन अपॉन साइन अल्फा, मतलब ऊपर जाके आ जाएगा टी की पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स, एक्स की पावर एन से इसको सॉल्व कर दो तो माइनस वन अपॉन साइन अल्फा, ये अपना आ जाएगा टी की पावर माइनस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाई टू प्लस वन प्लस का सी, बस। तो ये आ गया माइनस का वन अपॉन साइन अल्फा, ये आपका हाफ आएगा ना, क्योंकि हाफ बचेगा तो ये हाफ जो वन बाई टू तो ऊपर आके कितना टू आ जाएगा, तो अपन लिख दें साथ में क्या आएगा टू, और टी की पावर कितना आ जाएगा वन बाई टू प्लस सी, मतलब रूट टी हो जाएगा, टी इसमें पुट कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर ये निकल के आ जाएगा। समझ में आया क्या सौरभ? तो बस ये कुछ इसमें स्टेप्स मेन थे, है ना, ये आपको याद, ये आपको ध्यान रखना है। आप ओपन करो साइन एक्स कॉमन निकाल दो, इसको टी माना तो ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पर आते हैं, सेवेंथ सॉल्व हुआ क्या तीनों से? नो सर नहीं हुआ। नहीं हुआ सौरभ? नहीं हुआ सर नहीं हुआ। चलो ये अपन करते हैं, देखो देखना बेटा कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर सेवन, देखो सेवन आपके पास दिया हुआ है टू रेस टू द पावर टू रेस टू द पावर टू एक्स, फिर दिया हुआ है टू रेस टू द पावर टू रेस टू द पावर एक्स, फिर दिया हुआ है टू रेस टू द पावर एक्स डी एक्स, ये अपने पास क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू द सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ, जब मैं इसको अपन जानते हैं फॉर्मूला पता होना चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स क्या होता है, ये होता है ए एक्स लॉग ए, क्योंकि इंटीग्रेशन में तो अपॉन में आता है पर डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता है। मैं इसमें क्या कर रहा हूं, मैं इसको टी मान रहा हूं, इस पूरे को मैं टी मान रहा हूं, मैंने क्या माना
कि अपने पास जो ये है 2^2 t माना, ठीक है। अभी हमने क्या किया, आप इस पूरी टर्म को क्या मान लोगे, एक तरीके से x मान लोगे, तो a की पावर x का क्या होता है ax, क्योंकि अपन यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ इसका आप डिफरेंशिएशन करते हो ना बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपने इसको x माना, तो ax का क्या होता है, ax log a होता है, डिफरेंशिएशन होता है ना, ax log a, ठीक है। तो अपने पास यहां से क्या आएगा, ax मतलब ये पूरा 2^2 x ax log a, तो आपका a तो ये है, इसको पूरा आपने x मान रखा है, तो मतलब log 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये समझ में आया क्या स्टेप हमने कैसे किया, इसको आपने a मान रखा है, इस पूरे को आपने x माना, तो a की पर x का क्या होता है, a की पर x log a। अब अपन करते क्या है, अब आप अगेन, अब आप करोगे इसका, क्योंकि बेटा हम करते हैं ना, आप सोचो अपन चेन रूल में क्या करते हैं, सपोज मेरे पास होता है साइन 2x, तो आप करते हो साइन का, फिर करते हो 2x का, तो यहां भी अपन वही अप्लाई कर रहे हैं, अभी आपने इस पूरा कर दिया, अब जिसको आपने x माना है नेक्स्ट टर्म में उसका करोगे, तो अपन किसका करेंगे, अपन करेंगे d अपॉन dx ऑफ किसका, 2^2 x का, और t का तो हो ही गया dt अपॉन dx। ये समझ में आया कि नहीं आया, अपन आगे वैसे करेंगे, बोलो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया तीनों को, हमने कैसे अप्लाई किया, बोलो समझ में आया क्या, तन्मेरा आया समझ में, कैसे अपन कर रहे हैं बेटा, है ना। अब अगेन आप, अब अगेन यहाँ पर क्या करोगे, अगेन ये आपका हो जाएगा a, और अगेन ये हो जाएगा आपका x, अगेन करोगे a की पावर x से, तो आगे कंटिन्यू करें, ये तो आपका 2^2 x तो आ गया log 2, अगेन यहाँ से क्या होगा, a की पावर x से, a की पावर x log a, मतलब 2 की पावर x, और log a मतलब कितना, log 2 आ जाएगा। अब अगेन आपका ये बच गया, तो इसका यदि मैं करूंगा दोबारा 2 की पावर x का, तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर x log 2 आ जाएगा, ये कंप्लीट हो गया dt अपॉन dx। ये स्टेप मेन है इसमें, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, अब तो सॉल्व हो जाएगा ये, बोलो तीनों को समझ में आएगा ये वाला स्टेप, सौरभ वर्षा तन्मय, बोलो बेटा समझ में आया क्या ये वाला स्टेप, यस आ गया, वर्षा समझ में आया क्या, कैसे सॉल्व किया इसको, ठीक है। तो अब तो देख लो बेटा, तो अपने पास क्या आ गया, इसको लिख लो आप एक साथ, 2 की पावर 2^x साथ में 2^2 x एंड 2^2 x, log 2 log 2 log 2 कितना हो जाएगा, log 2 का क्यूब आ गया, ठीक है, और dt अपॉन dx, आपको ये चाहिए साथ में dx, तो log 2 क्यूब को शिफ्ट कर दो RHS साइड में, तो यहां से अपने पास 2^2 x 2^2 x और 2^2 x dx इक्वल टू ये आ जाएगा dt अपॉन log 2 का होल क्यूब। अब तो पुट कर दे पर इसमें, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा देखना, देखो अपन देखते हैं, ये पूरा dx आपका इसके इक्वल आ गया बस, तो क्या dt अपॉन लिख दे अपन, क्या आया dt अपॉन log 2 का होल क्यूब आ गया बेटा, देखो ये पूरा का पूरा आ रहा है ये सेम, तो बस ये इसके इक्वल है, ये तो अपने पास क्या है कांस्टेंट टर्म है log 2 का होल क्यूब, इसको तो बाहर लिया हो आप, 1 अपॉन log 2 का होल क्यूब, अंदर बच गया अपने पास 1 dt, 1 का होता है t, तो 1 अपॉन log 2 का होल क्यूब, ठीक है, t प्लस c, बस सबसे लास्ट में आप t पुट कर दो, तो 1 अपॉन 2 का होल क्यूब, अपने पास t यहां पर क्या है, अपने पास देखो t आपने ये पूरा ये मान रखा है ना आपने, तो ये पुट कर दे, तो अपने पास क्या था 2^2 x प्लस c, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया अब ये क्वेश्चन, बताओ बेटा तीनों को समझ में आ गया, हाँ वर्षा और वर्षा तन्मय आया समझ बेटा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हुआ क्या सॉल्व, 8 हुआ क्या, यस सर, हाँ तन्मय, हाँ सर हो गया, ठीक है, 9th ये हो गया सर, आपको नहीं आया, अच्छा तन्मय आपको नहीं आया बेटा ये क्वेश्चन, नहीं देखो यहाँ देखो ये तो बेटा इजी है, देखो देखना, देखो अपने पास x टू द पावर x है, 1 प्लस log x है, अरे इसमें सिंपल आप क्या करो, x की पावर x को t मानो, एक बार आ जाओ डिफरेंशिएशन वाले पार्ट पर, कैसे करते हैं इसका डिफरेंशिएशन बताओ, x की पावर x है, कैसे करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, अपन पढ़ चुके हैं ना, कैसे करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, अरे पावर में x है ना, तो log से करते हैं बेटा इसको, अपन ध्यान आया कुछ, यदि पावर में कोई वेरिएबल होता है अपन log से करते हैं क्या, टेकिंग log बोथ द साइड, तो उसी से हो जाएगा अब ये, तो भाई आपको कि अपने पास क्या है, ध्यान से देखो ना, आपके पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, आपके पास x की पावर x है बेटा, तो ये log से ही तो होगा, होगा कि नहीं होगा log से, तो इसको आप करो ना सॉल्व भाई, यहाँ अपन करते हैं, तो देखो यहाँ अपने पास क्या, आप log से करो, तो आप जब log लोगे इसमें बोथ द साइड, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा,
ये तो हो जाएगा log x to the power x, सपोज इसको भी आपने कर दिया तो यहां से अपने पास आ जाएगा ये x log x equal to log t. अब करो डिफरेंशिएशन बोथ द साइड्स, तो x log x का कितना हो गया 1 upon x, क्योंकि यहां अप्लाई करोगे प्रोडक्ट रूल, log x, x का हो जाएगा 1, log t का 1 upon t और साथ में dt upon dx, वर्क नहीं होगा तो ये कैंसिल हुआ, t को यहां पर शिफ्ट कर दो, t साथ में 1 plus log x dt upon dx है, ठीक है, log x dx को शिफ्ट किया dt के इक्वल, t आपके पास क्या x की पावर x था पुट कर दे, तो x की पावर x 1 plus log x dx equal to dt, अब तो आ गया, अब तो पुट कर दो बस, इसमें सब कुछ आ गया आपके पास, तो ये पूरा अपने पास dt के इक्वल आ रहा है बस, तो dt मतलब कितना 1 का t होता है, t plus c, t अपने पास x की पावर x plus c, ये इसका आंसर आ गया, अब समझ में आया क्या, बता तन में समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया हमने? यस सर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th हुआ क्या तीनों से? नो सर, हां सर हो गया, ठीक है वर्षा आपसे नहीं हुआ, देखो यहां इसको सिंपल रेशनलाइज कर दो, कुछ नहीं करना, देखो उसके बाद सॉल्व हो जाएगा, ये रेशनलाइज कर दो बस, x अपॉन x माइनस स्क्वायर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 dx है ना, इसको रेशनलाइज कर दो आप, देखो करते हैं अपन, तो x अपॉन x माइनस स्क्वायर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 रेशनलाइज कर दो, कितना हो जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस स्क्वायर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 dx, कर दिया, ऊपर वाला पार्ट तो आप साथ में लिख दो, साथ में इसके आ जाएगा ये x प्लस स्क्वायर रूट में x स्क्वायर माइनस 1, नीचे देखो बन रहा है ये a माइनस b a प्लस b, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से आ जाएगा ये x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और dx सॉल्व कर दें, तो यहां से अपने पास ये x, ठीक है, और साथ में x प्लस स्क्वायर रूट में है x स्क्वायर माइनस 1, नीचे ओपन कर दो इसको, सो x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस का 1 dx, ये पूरा पार्ट तो आपका कैंसिल हो गया कैंसिल, ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दो, तो यहां से अपने पास क्या आ रहा है बेटा, यहां से देखना इसको आप ओपन कर दो ब्रैकेट को, तो ये आपका आएगा, इसको साथ में सेपरेट भी कर दो, x स्क्वायर dx प्लस यहां से आ जाएगा x, ठीक है, उसको लिख दो आप x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1 बाय 2 dx, दोनों को अपन सॉल्व कर सकते हैं ना, अब भाई ये तो आपका x स्क्वायर dx हो गया, इसको अगेन x को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ठीक है ना, या चाहो तो इसको आप कैसे कर सकते हो, आपको ये करना है ना, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, यहां पर ध्यान से देखो आप इसको, या तो ऐसा करो x स्क्वायर माइनस और t मान लोगे, इसको ऐसे ना करके आप ऐसा कर सकते हो, इसको रूट में लिख दो आप, यहां से अपने पास ये था x के साथ में अपने पास था x स्क्वायर माइनस 1 dx, तो इसमें क्या करो आप x स्क्वायर माइनस 1 को t मान लो, है ना, क्या करते हैं इसमें अपन, इसको अपन इस पढ़ाते हैं, पहले आप इसको सॉल्व करो, यहां x स्क्वायर माइनस 1 को आप t मान लो, तो अब तो सॉल्व हो जाएगा ना, x स्क्वायर का 2x dx इक्वल टू dt, तो यहां से अपने पास x dx कितना आ गया dt upon 2 आ गया, तो अब तो कर देंगे अपन, ये आपका x square dx dt upon 2 है, 1 upon 2 बाहर लिख लो, x dx तो आपका dt आ गया और रूट में आ जाएगा ये t, अब तो सॉल्व हो जाएगा, x का हो गया x x square का x cube upon 3, ये अपना t की पावर 1 upon 2 होता, तो 1 upon 2 plus 1 3 upon 2 upon 3 upon 2 plus c, अब तो सॉल्व हो जाएगा, तो समझ में आया क्या वर्षा, कैसे किया हमने बताओ? यस सर, है ना, इस तरह सॉल्व हो जाएगा, तो हो गए अपने सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब आज अपन नेक्स्ट एक फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं, शीट में डाल दिए या शीट आप करना, ठीक है, नेक्स्ट अपन एक फॉर्म पढ़ रहे हैं, पहले उसके लिए कुछ फॉर्मुलेज आप लिख लो, ठीक है, कुछ फॉर्मुलेज मैं लिखा रहा हूँ, ये आपको नोट करने हैं, कुछ फॉर्मुलेज जो आपके बहुत काम आएंगे आगे, ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर ए क्या है, कुछ भी कॉन्स्टेंट होगा, 1, 2, 3, 4, 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 3, कुछ भी होगा, यदि ऐसी फॉर्म है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, आपको ये फॉर्मूला याद करने हैं, 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ठीक है, सेकंड फॉर्मूला, ये फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने हैं, सेकंड फॉर्मूला अपने पास है 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, ठीक है, तो ये अपने पास होगा 1 अपॉन 2a log, ठीक है, यहां से अपने पास होगा a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c, थर्ड फॉर्मूला 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, ये होगा 1 अपॉन a tan इनवर्स,
टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला, अपने पास ये सिक्स फॉर्मुलेज हैं, अब ये तीनों आपके रूट में आ जाएंगे, मतलब अपने पास अभी रूट में आएगा वन अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी एक्स, तो ये होगा फॉर्मूला लॉग की फॉर्म में होगा, लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट अपने पास नेक्स्ट फॉर्मूला है वन अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका सिंपल हो जाएगा साइन इनवर्स की फॉर्म में, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बेटा देखो इसको आप याद कर सकते हो, साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो एन एक्स अपॉन ए है, तो बस यहाँ पर ये ए आ गया। यदि एक्स अपॉन वन बोले हैं तो यहाँ पर आपका वन ही आता ना, तो ये आपका सिंपल साइन इनवर्स का फॉर्मूला है, तो डिफरेंशिएशन में जो होता है, ठीक है। और लास्ट अपने पास एक फॉर्मूला कौन सा बच गया, वन अपॉन स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का, ठीक है। तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। देखो इन दोनों को कुछ भी डिफरेंस नहीं है, देखो पूरा सेम है, बस यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये सिक्स सिक्स फॉर्मुलेज हैं जो आपको याद रखने हैं, अपन इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सब। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कुछ अपन पहले एग्जांपल्स कर रहे हैं एनसीईआरटी के। जैसे अपने पास पहला आप लोगों को दे दिया वन अपॉन, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन डी एक्स है, तो इसको आप अरेंज कर लो ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में, वन अपॉन अपन लिख ले एक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर का होल स्क्वायर डी एक्स। और हमने देखो फॉर्मूला पढ़ा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है, वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो यहाँ बेटा अपने पास ए कितना, यहाँ अपने पास ए आपका फोर होगा, क्योंकि वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो क्या होता है फॉर्मूला, वन अपॉन टू ए, ए आपका फोर है, लॉग फिर क्या आता है एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस ए, सो एक्स प्लस फोर प्लस सी। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया, वन अपॉन एट, ठीक है, लॉग ये आपका आ जाएगा एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस फोर प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कैसे हमने अप्लाई किया फॉर्मूला, बोलो तीनों को समझ में आ गया ये क्वेश्चन। यदि ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप फॉर्मूले में अरेंज कर लो और वो निकल के आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम बेटा इस क्वेश्चन में, तीनों से हो जाएगा सॉल्व ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है ना। हाँ सर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, अपने पास नेक्स्ट है बी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट में हमारे पास है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो आज को अपन पहले फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, अभी देखो ये आपका फॉर्मूले में नहीं है, इसको अपन सॉल्व करते हैं देखना। तो सबसे पहले देखो आपको कोशिश क्या करनी होती है, जब भी आपको देखो इन सब में आप ध्यान दो, सब में आपके जो एक्स स्क्वायर है ना इसका कोई कॉफिशियंट हमेशा देखो वन की फॉर्म में है क्या नहीं, एक्स स्क्वायर है, देखो सब में आपके कॉफिशियंट क्या है, वन है, है वन। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मेरी बात ध्यान सुनना, पहले मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, पहले मैंने क्या लिखा है इसको, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स लिख दिया। इसको आगे सॉल्व करते हैं, पहले मैं इसमें क्या करता हूँ, पहले मैं यहां से माइनस कॉमन निकालता हूँ, उसको बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप माइनस कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। अब अंदर मैं इसका होल स्क्वायर बनाना चाह रहा हूं, तो बना दे अपन होल स्क्वायर, ये तो आप सिंपल बना सकते हो ना भाई, अपने पास ये है माइनस है, तो अपन करते हैं जैसे आप लिख दिया एक्स का होल स्क्वायर फिर माइनस का टू एक्स, यहाँ आपको वन चाहिएगा होल स्क्वायर के लिए, क्योंकि टू ए भी होता है, ये तो टेंथ का पार्ट है बेटा, वन के लिए आपने क्या किया वन स्क्वायर को ऐड कर दिया और वन स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना। तो यहाँ से अपने पास इतना फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया आपका एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको वैसा बोल सकते हैं अपन कि डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट में ये आपका बन जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और साथ में ये आपका माइनस वन का स्क्वायर तो वन ही हो गया। इतना स्टेप समझ में आया कि नहीं आया सबको, तीनों को समझ में आया क्या बेटा ये स्टेप, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी भी स्टेप में, बोलो। नो सर। ठीक है, इसके बाद क्या करो, इस माइनस को अगेन अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बस हमने क्यों कहता कि पहले अपने को अंदर मिल जाए स्क्वायर, अब इस माइनस को अगेन अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो वन तो बन जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा वन माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इस पूरे को आप एक्स मान लो, तो ये बन रहा है फॉर्मूला, वन स्क्वायर बोलते हैं इसको, तो ये फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, देखो ये बन रहा है इस टाइप का फॉर्मूला, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर देखो आप, ए तो बेटा आपने वन, यहाँ आपने लिख लिया कि ए तो आपका वन हो गया बेटा, यार ए तो वन हो गया और एक्स आपने क्या मान लिया, एक्स माइनस वन मान लिया,
ये पूरा आपका एक्स है, तो इसके लिए क्या होता है इसका आंसर, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है बेटा, होता है। तो लिख दें इसको अपन इस फॉर्म में, तो क्या होगा देखो, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स अपने पास कितना है, एक्स माइनस वन है, ए आपका वन है, प्लस सी। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया साइन इनवर्स एक्स माइनस वन प्लस सी, ये इसका आंसर आया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन, तीनों को कैसे हमने अप्लाई किया बताओ, कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? सौरभ, वर्षा, तन्मय, बताओ बेटा। आ गया सर। आ गया? हाँ वर्षा, आपको समझ में आ गया बेटा कैसे सॉल्व किया हमने क्वेश्चन? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? आ गया सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इस टाइप के, नेक्स्ट अपन ले रहे हैं इंटीग्रेशन में, अपने को दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थ्री, इसमें अपने को दिया हुआ है इंटीग्रेशन में dx upon x square minus 6x plus 13, ये है dx upon x square minus 6x plus 13। देखो तो पहले सबसे पहले आपके पास वर्क क्या होना चाहिए इसमें, हमेशा आपको पहले यहाँ बनाना है इसका होल स्क्वायर, क्योंकि बेटा उसके बाद ही, क्योंकि आपके सारे यहाँ पर जो x है बेटा वो x square की फॉर्म में है ना, देखो तो आपको पहले हमेशा जो x है ना इसको आपको पहले होल स्क्वायर की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो अपन देखो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, तो बना दे अपन देखो होल स्क्वायर, ये x स्क्वायर अपॉन, इसको लिखा आपने x का होल स्क्वायर माइनस का 2 भी आता है, 2 x 6 x है तो आपके यहाँ पर 3 आ जाएगा, b आपका 3 हो गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस का 3 स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर लगा दिया, और ये प्लस का 13, ये तो अपन कर देते बेटा यदि आपको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। तो dx अपॉन इतना यहाँ से कितना आ गया, ये आपका आ गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दें अपन, माइनस का 9 प्लस 13 कितना आ जाएगा, प्लस का 4, 2 का स्क्वायर बोल दें उसको, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब ये पूरा आपका x हो गया, ये पूरा x हो गया, ये पूरा आपका a हो गया, तो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का देख लो फॉर्मूला, 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, तो अप्लाई कर दें इसमें ये, तो 1 अपॉन a मतलब a कितना 2 है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, x आपका x माइनस 3 है और a आपका 2 है, प्लस c, ये इसका आंसर आ गया, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। एनी प्रॉब्लम बेटा इस क्वेश्चन में? बोलो किनों को समझ में आया कैसे अपन कर रहे हैं ये क्वेश्चंस, कोई डाउट इस क्वेश्चन में बताओ बेटा? नो सर। ठीक है ना, तो अप्रोच समझ में आया, ऐसा आपको इनको अप्रोच करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, जैसे इसमें हमारे पास अब बोल रखा है dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, dx अपॉन 3x स्क्वायर। अब देखो पहले आपके पास हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 होना चाहिए, तो पहले आपको 3 से रिमूव करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो आपका 3 हट जाएगा ना यहाँ से। देखो करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से पहला स्टेप आप क्या करोगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को हमेशा 1 बनाओगे, तो डिवाइड करते हैं अपन 3 से, ठीक है। तो ये आपका आप कर रहे हो डिवाइड, 3 आपका बाहर आ गया, यहाँ से क्या आएगा x स्क्वायर प्लस, ठीक है, 13 अपॉन 3x माइनस का 10 अपॉन 3, आपने डिवाइड कर दिया 3 से, कर दिया डिवाइड, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको अपन, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, अब अंतर बनाओगे इसका स्क्वायर, बना दे स्क्वायर, अंदर बनाओगे वही परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो dx अपॉन यहां से आपका ये x स्क्वायर लिख दिया, x का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर, अंदर बनाएंगे वही 2ab की फॉर्म में, तो 2x, यहां b आपका क्या आएगा, देखो 13 अपॉन 3 है, यहां आपका 2 तो आ चुका है ना, तो अपन 13 अपॉन 6 लिख दे, मिल जाएगा 13 अपॉन 3, ठीक है, ये आपका b हो गया। फिर क्या होता है, प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि इसको आपने ये हो, क्योंकि b आपका ये है, ऐड किया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 13 अपॉन 6 का होल स्क्वायर और माइनस का अपने पास 10 अपॉन 3 था। समझ में आया कि ये स्टेप अपन करते हैं ना कंप्लीटिंग स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b है, तो आपने b स्क्वायर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया, इतना अपने पास क्या बन जाएगा इसका होल स्क्वायर, मतलब अपने पास ये 1 अपॉन 3 है, तो यहां से अपने पास dx अपॉन ये कितना आ जाएगा, x प्लस 13 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दे अपन, तो माइनस का 13 का स्क्वायर 169, ठीक है, अपॉन 36 और माइनस का 10 अपॉन 3। समझ में आ रहा है बट अपन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कोई डाउट है यहां तक तो बोलो, पहले कोई दिक्कत है बेटा यहां तक बोलो? नो सर। ठीक है ना, अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसको तो आप सॉल्व कर दोगे बेटा, तो यहां से अपने पास 1 अपॉन 3
डी एक्स अपॉन, ठीक है यहां से आ जाएगा x प्लस 13 अपॉन 6 का होल स्क्वायर, ठीक है इसको सॉल्व कर दे तो यहां से आपका 36 तो ये आ जाएगा एलसीएम, माइनस का 169 और ये कितना आपका आ जाएगा 12, ये आपका आ जाएगा 120, आ जाएगा 120, ठीक है ना। तो इसको अपन सॉल्व कर देते हैं तो यहां से कंप्लीट देखो आपको मिल जाएगा ये 1 अपॉन 3 यहां से डी एक्स अपॉन ये आपका x प्लस 13 अपॉन 6 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा देखो ये आपका आ जाएगा 289 अपॉन 36, तो ये मिल जाएगा, ये होता है 17 का, ये होता है 6 का, तो ये आपको होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो 1 अपॉन 3 यहां से अपने पास आ जाएगा डी एक्स अपॉन x प्लस 13 अपॉन 6 का होल स्क्वायर माइनस 17 अपॉन 6 का होल स्क्वायर आ गया। अब तो बन गया ये आपका, इसको x मान लोगे इसको a मान लोगे तो 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे कौन सा वाला, फर्स्ट वाला 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो अप्लाई कर दे यहां अपन, देखो तो ये अपन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है 1 अपॉन 2a तो 1 अपॉन, ठीक है यहां पर देखना ये आपका 1 अपॉन 3 है ही, 1 अपॉन 2a तो 1 अपॉन 2a अपने पास कितना 17 अपॉन 6 है, ठीक है 1 अपॉन 2a log x माइनस a तो x आपका क्या है x प्लस 13 अपॉन 6 है, x माइनस a 17 अपॉन 6, ठीक है ना x माइनस a अपॉन x प्लस a, सो x प्लस 13 अपॉन 6 प्लस 17 अपॉन 6 ये कर दिया आपने, ठीक है और प्लस c आ जाएगा, 2 से 3 टाइम कैंसिल हुआ ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ये तो मिल गया आपको 1 अपॉन 17, इसको सॉल्व कर दो बस log, ये अपने पास कितना हो जाएगा 13 माइनस 17 माइनस का 4 अपॉन 6 x माइनस 4 अपॉन 6 और यहां से आपका आ जाएगा ये x प्लस, ठीक है ये आपका आ जाएगा 30 अपॉन 6। अब तो सॉल्व कर दो इसको, ठीक है तो 4 6 6 आप एलसीएम लेके कैंसिल कर दोगे तो अपने पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1 अपॉन 17, यहां से आपका ऊपर तो आ जाएगा 6x माइनस 4 और डिवाइड में आ जाएगा 6x प्लस 30 और ये प्लस का सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बेटा, हमने कैसे किया बताओ, तीनों को समझ में आया कैसे हमने अप्रोच किया क्वेश्चन, कुछ नहीं करना पहले आप क्या करोगे कोएफिशिएंट को, हाँ बोलो बोलो तन्मय कुछ पूछ रहे हो? नहीं सर आ गया समझ में, आ गया ना, ठीक है वर्षा और सौरभ समझ में आया कि बेटा कैसे अपन अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं आया? है ना, तो बेटा ऐसे ही करना है आपको, हमेशा कोएफिशिएंट को पहले वन कर लो, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, उसके बाद फॉर्मूला देखो कौन सा फॉर्मूला उसमें फिट हो रहा है वो अपन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन अब आपको कराता हूँ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.4 के, बेटा इवनिंग में क्लास है 5 to 6, है ना, मैं लिंक सेंड कर दूंगा तो ज्वाइन कर लेना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना 5 to 6 में, रख लें क्लास 5 to 6? हाँ सर रख लो, है ना, ठीक है मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। चलो नेक्स्ट अपन, अब देखो 7.4 है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाँ वर्षा सौरभ आपको दिक्कत तो नहीं है ना 5 to 6 में टाइमिंग वगैरह में? नो सर, ठीक है सौरभ कुछ दिक्कत है क्या टाइमिंग रख ले अपन, कोई दिक्कत नहीं है ना टाइमिंग के लिए? नहीं सर ठीक है, ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन कर रहे हैं, बताना कैसे करेंगे इसको आप सोच के बताओ, 3x स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 6 प्लस 1 dx, हमने जो अभी तक पढ़ा है तो क्या करें इसमें कैसे सॉल्व हुआ क्वेश्चन, थोड़ा लगाओ आइडिया क्या करें, कोई तरीका कैसे करें इसको स्टार्ट कैसे करें सर? ऊपर नीचे दोनों से सर x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, और कुछ बहुत इजी है और थोड़ा सोचो, x क्यूब का स्क्वायर ले लेंगे सर, x क्यूब का स्क्वायर ले लेंगे फिर उसके बाद उसकी आइडेंटिटी बना देंगे फिर जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से। नहीं देखो 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 भाई देखो, हाँ देखो आपने थोड़ा स्टार्ट तो सही बताया भाई, इसको अपन लिखते हैं एक्स क्यूब का स्क्वायर, है ना, अब कुछ करना नहीं है ना, आप इसमें एक्स क्यूब को टी मान लो ना, मिल रहा है आपको 3x स्क्वायर, भाई करना ही क्यों है, आप यहाँ पर एक्स क्यूब को टी पुट कर दो तो बेटा एक्स क्यूब का करो डिफ्रेंसिएशन, कितना होता है 3x स्क्वायर dx इक्वल dt, मिल गया यहाँ से तो बहुत इजी सॉल्व हो गया ना बेटा, ऊपर dt आ गया नीचे आपका x क्यूब t माना था तो कितना हो जाएगा t स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर, ये अप्लाई कर दोगे 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, तो a तो आपका 1 ही है तो सिंपल कितना आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a से t आ जाएगा,
टेन इनवर्स टी प्लस सी, और टी आपने मान रखा है एक्स क्यूब, तो टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया। बताओ भाई, हमने कुछ नहीं किया, आपने इसको लिख लिया एक्स क्यूब का स्क्वायर, फिर आपने एक्स क्यूब को टी पुट कर दिया ना, तो ये हो गया थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी, ये आपने पुट कर दिया, ऊपर डी टी आ गया, नीचे कितना है टी स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, ये होता है टेन इनवर्स टी का प्लस सी, टी आपने पुट कर दिया एक्स क्यूब, ये सॉल्व हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, हमने कैसे किया, तीनों को समझ में आया क्या, कोई डाउट? ठीक है ना, तो आपको तो सोचना पड़ेगा कैसे अपन अप्लाई करें उसमें एंटी। हाँ कुछ बोलना है बेटा, तन्मय कुछ पूछ रहे हो क्या, या कोई कुछ पूछ रहा है? नो सर। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ठीक है ना, तो अभी अपन इतना ही करते हैं, इसके ऊपर बाद में कंटिन्यू करेंगे, इवनिंग में मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो अपन 5 to 6 करते हैं, है ना, अभी इसके नोट्स ग्रुप पर पोस्ट कर रहा हूँ, बाकी अपन करते हैं 5 to 6। ठीक है बेटा, ओके चलो ठीक है, बाकी अपन कंटिन्यू करेंगे, इससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो अपन इवनिंग में करते हैं 5 to 6 में। सो ठीक है बेटा, ओके।